ये जो तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, निकाले जाएंगे, घर घर झंडा लहराया जाएगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बात किसकी की गई है, इतने घरों में झंडा फहराएंगे, टेंडर किसको दिया गया? गुजराती 11 लोगों को टेंडर दिया गया है, जिसमें 7 गुजराती हैं। पॉलिस्टर का झंडा शर्मानी चाहिए हमारे देश के आज के प्रधानमंत्री को, जिसने खादी से बनने वाले हमारे देश के झंडे को पॉलिस्टर में बनवा दिया। आज देश की वह हालत है कि उन्हें लग रहा है कि हमारे देश के लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, जिस देश में बच्चा पैदा होते ही सारे जहां से अच्छा सीखता है, उस देश के बच्चों को आप कह रहे हो कि झंडा लेके आना कंपल्सन है, और जो नहीं फहराएगा वो राष्ट्रद्रोही है। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक बात इसी बीच में जो निकल कर सामने आता है कि जैसे कि कांग्रेस को पता चल गया, विपक्ष को, सबको पता चल गया, आज की मीडिया को क्यों नहीं खबर होती है? इस लाइन पे कहती हूँ कि इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो, ये चेहरे पे चेहरे छुपाते कहाँ से हो, इतनी मासूमियत आप लोगों में? हाँ, जो तिरंगा को लेकर सरकार जो है अब सड़कों पर उतरेगी, लोगों से घर घर में तिरंगा लहराने के लिए कहा जाएगा 15 अगस्त में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे स्कूल्स, अगर आप टीचर्स से आप अंदर उनसे बात करें तो सब इतना मैनिपुलेटेड है इनका, सब टीचर्स को लगाया है इन लोगों ने कि आप इतने इतने एक इन्होंने पैसा फिक्स किया है, उतने में आप झंडा बेचिए। तो बताइए इस लेवल पे आ गए हैं, जितने भी बेची? हाँ, जितने इनिशिएटिव झंडा बेचिए सारा, हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फैलाना है इनको सब खाली। इसमें भी कमाई, इसमें भी कमाई है, हर चीज में खराई है, 20 से 40 रुपए में सब झंडा बेचिए, बच्चों में वितरण करिए खाली बस। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, मैम क्या नाम लिखते हैं आप? प्रज्ञा सिंह। सिंह हैं आप, ठाकुर हैं, ठाकुरों की सरकार चल रही है इसलिए डर के पूछना पड़ेगा सरकार। अब एक बात नहीं समझ में आ रहा है, कांग्रेस को पता चल जाता आजकल के जो मीडिया वाले उनको खबर क्यों नहीं लग जाती है? नहीं तो मीडिया को तो ऐसे हाईजैक कर रखा है ना, आप बताइए कहाँ कुछ दिखा रहे हैं। अभी तक हमारी जब गवर्नमेंट हुआ करती थी तब तो छोटे से इश्यूज को भी आप इतना दिखाया करते थे, हर जगह उनके प्रोटेस्ट का इतना दिखाया जाता था कि ये घोटाला हो गया है, ये सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया। आप समझिए कहाँ हम लोग, मतलब मुझे लग रहा है दिल्ली जाने में 2500 रुपये में हम दिल्ली पहुँच जाया करते थे, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। आज इतना महंगा है, 100 रुपये तक पहुँच गया है डीजल पेट्रोल, बताइए कोई बोलने वाला नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है अभी। तिरंगा यात्रा पे क्या करें मैम आप? क्या नाम लिखती है, नामवा बता दीजिए। जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा। सुधा मिश्रा, लोगों ने तो आजकल कुछ ज्यादा ही झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये जो तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, निकाले जाएंगे, घर घर झंडा लहराया जाएगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले ना, ये जो प्रायोजित शब्द आप लोग के होते हैं कि मिश्रा लोगों ने, जिसने किया होगा किया होगा, व्यक्तिगत जब सवाल करते हैं तो व्यक्तिगत को समूह से जोड़ना गलत बात है, ये प्रायोजित करना छोड़िए आप लोग। दूसरी बात, आपने कहा झंडा, आप जब छोटे थे स्कूल में कितनी बार आपको कहा गया झंडा लेके जाओ? नहीं कहा गया होगा? नहीं, हमारे माँ बाप हमारे टीचर फोन करके कहते हैं झंडा लेकर आइए। हाँ, तो क्या आपको स्पेशली कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी अपील नहीं कहना पड़ा। बहुत अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सोचिए आज देश की वह हालत है कि उन्हें लग रहा है कि हमारे देश के लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, जिस देश में बच्चा पैदा होते ही सारे जहां से अच्छा सीखता है, उस देश के बच्चों को आप कह रहे हो कि झंडा लेके आना कंपल्सन है, और जो नहीं फहराएगा वो राष्ट्रद्रोही है। अरे कम से कम मानसिकता को अपने इतने तो इम्प्रूव कर लो, इतना तो पढ़ लिख लो कि आपको बचपन में शायद पढ़ाई तो की नहीं होगी। जो ये कहता है कि नहीं पढ़ाई किया, अब जिसने ये चीज, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो ये कह रहा है, सीधा सीधा मोदी जी को कह रहे हैं आप, हमें लग रहा है आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब कितने पढ़े लिखे हैं आप ढूंढिए, जाइए गुजरात में। लेकिन मेरी बात है कि अगर भारतीय कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, हर व्यक्ति को मालूम है कि तिरंगा हमारे देश की हमारी जान है, उसके लिए हमें कहलाने की जरूरत नहीं थी। एक आखिरी सवाल है, अभी मैम बता रही थी कि इसमें भी बीजेपी का षड्यंत्र है और वो इसमें कारोबार करना चाहते हैं झंडा बेच बेच। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बात इसी बीच में जो निकल कर सामने आता है कि जैसे कि कांग्रेस को पता चल गया, विपक्ष को, सबको पता चल गया, आज की मीडिया को क्यों नहीं खबर होती है? इस लाइन पे कहती हूँ कि इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो, ये चेहरे पे चेहरे छुपाते कहाँ से हो, इतनी मासूमियत आप लोगों में? हाँ, उसी मासूमियत के चेहरे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये बातें देश में कुछ बिक रहा है आप ही को पता चलता है, मीडिया को नहीं पता चलता। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस मातृ संस्था से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक ट्वीट आया था कि हम अपने कार्यालयों से इतने इतने रुपए में झंडा बेच रहे हैं और सारे जितने भी संगी हैं उनको बेचना है, पहली चीज। दूसरी आया था
कि जब कार्यालय से पंक्ति उस पर स्कूलों में आया, टीचरों के पास जाके गवर्नमेंट स्कूल में, किसी स्कूल में जाइए आप, चुपचाप पहुंच जाइए और टीचरों से पूछे कितने झंडे बेचने का आपको मिला है। तो अब जाना पड़ेगा मुझे, मैं जाऊंगा, पूछेगा। और झंडों का प्राइस भी फिक्स है, कितना वो 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक जितना वसूल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और देखना बात किसकी की गई है, इतने घरों में झंडा फहराएंगे, टेंडर किसको दिया गया, गुजराती 11 लोगों को टेंडर दिया गया, जिसमें 7 गुजराती हैं। पॉलिस्टर का झंडा सर माननी चाहिए हमारे देश के आज के प्रधानमंत्री को, जिसने खादी से बनने वाले हमारे देश के झंडे को पॉलिस्टर बनवा दिया। शर्म आनी चाहिए, जिसके लिए विधान था कि खादी में सब कुछ आप ही लोगों को दिखता है, मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है, मैं सवाल ये कह रहा हूं। मैं अगर कह दूं कि शर्म मीडिया को भी आनी चाहिए कि पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के झंडे बनने के इतने बातें हो गई। पॉलिस्टर अंबानी बनाते हैं बहुत ज्यादा, सबको मालूम है। अंबानी को सोचिए कितने करोड़ रुपए का फायदा हो रहा होगा हर झंडे पे, क्योंकि बेच रहे हो 20 से 25 रुपए में और पॉलिस्टर में झंडे बनवा रहे हो। मतलब जो 1 करोड़ खादी आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप देश प्रेमी थे तो जो खादी आश्रम से जुड़े 1 करोड़ लोग थे उनको काम देते, आप 6 महीने पहले एक काम करते, खादी के झंडे बनते, खादी के झंडे बनते, देश का नाम होता, खादी का नाम होता, उनको रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, यहाँ पे मित्रों का भला करना है तो पॉलिस्टर के झंडे बन रहे हैं। तो झंडा लहराइए, झंडा लहराइए, घर में झंडा लहराइए, घर में झंडा लहराइए सुनीता जी। जी बिल्कुल, झंडा हम हमेशा से लहराते आए हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते सबको झंडा लहराना चाहिए। जो आज के स्पेशल नहीं हुआ है कि हमारा आज देश आजाद हुआ है, हम अपनी इच्छा से हिंदुस्तानी हमेशा झंडा लहराता, जो नहीं लहराता था स्पेशल उसको लहराना है, जिन्होंने आज तक नहीं लहराया। आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, लग रहा है आरएसएस को निशाना है। जिसने झंडे नहीं फहराए थे उनसे कहिए ना डीपी बदलने, आज तक डीपी बदले नहीं गई है। हमने तो कहा, हमने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा डीपी बदल गया सबका, प्रधानमंत्री ने कहा कि डीपी में तिरंगा लगाइए, हमने लगाया, हमने कहा आजादी का अमृत महोत्सव है तो प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से लगाएंगे, आप भी लगाओ अगर आप में हिम्मत है तो। हमने लगा रखा है जवाहरलाल नेहरू और तिरंगे के साथ, क्योंकि इतिहास जो 75 साल का है ना, अमृत महोत्सव वहीं से शुरू होता है। तो ये लगा के दिखाइए तो हमें जानो। आरएसएस वाले नहीं लगा रहे का? आरएसएस वाले लगा रहे नहीं लगा रहे भाई, आप प्रोफाइल चेक कर लीजिए। जिन्होंने आज तक नहीं फहराया अपने कार्यालय पे झंडा, बात उनकी है। अब हिंदुस्तानी तो दिलों में झंडा लेके घूमता है, हमें झंडा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम पहले से भी लगाते आए हैं, अब भी लगाएंगे। और नेहरू जी के प्रथम वाला झंडा लगाया है हम लोगों ने। तो ये महिलाएं थी कांग्रेस की, निडर महिलाएं थी जिनसे हम बात कर रहे थे, तिरंगे को लेकर मैंने सवाल पूछा, बेरोजगारी एक मुद्दा है उस पर भी मैंने सवाल पूछा, और बहुत ही पिरो कर मैंने सवाल पूछने कोशिश की, बेबाकी से हर सवाल का जवाब मिलता नजर आ रहा था। हालांकि लोग कतराते हैं अपनी बात को रखने से, लेकिन इन महिलाओं ने मोदी और योगी जी को आड़े हाथ ले लिया और इस फिराक में लिया कि देश को डूबने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि देश को कौन वो लोग हैं जो डुबाना चाहते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़। मिश्रा हैं।